और अब आपको बताएं कि टिकटॉक गर्ल हरीम शाह ने वजीर खारजा के दफ्तर में बनाई गई मतनाज़े वीडियो पर माजरत कर ली है। कहती है, एक आला सरकारी अहलकार से इजाजत ली थी, इसीलिए किसी ने मुझे वजारत के अंदर दाखिल होने और वीडियो बनाने से मना नहीं किया। हरीम शाह ने मुआफी मांगते हुए ट्विटर पर एक वीडियो शेयर की है, जिसमें उन्होंने बताया कि दफ्तर खारजा में जाने की इजाजत उनको सरकारी अहलकार ने दी थी। शाह महमूद कुरैशी से मिलना चाहती थी, वो मेरे वालिद की जगह है और इसीलिए काबिल एहतराम भी हैं। उनसे मिलना फख्र की बात है, मगर उनसे मुलाकात ना हो सकी। हरीम शाह ने कहा कि मेरी वीडियोज को हर एक ने अपने नए नए अंदाज में बयान करना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं जो लोग कह रहे हैं। मुझे वहां कौन लेकर गया, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वजीर आजम की कुर्सी पर बैठने से मेरे पाकिस्तानियों के दिल को ठेस पहुंची है तो मैं माजरत ख्वाह हूं, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ टिकटॉक के लिए वीडियो बनाना था। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे।